मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक बात पढ़ी थी कि जो व्हाट आर द कॉसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई थी उसके कॉसेस क्या क्या थे। हमने बहुत सारे कॉसेस पढ़े थे क्योंकि आर्मी के अंदर गुस्सा तो आया था, वो जो एग्रेसिवनेस थी, वो अपराइजिंग्स थी, उनका कारण क्या क्या थे। हमने बहुत सारे कारण पढ़े, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड डिसकंटेंट अमंग द सोल्जर्स, इमीडिएट रीजन। सो आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले क्वेश्चन के साथ अल्टरनेट में आता रहता है, वो ये है व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेलियर। हम ये तो आज़ादी की लड़ाई थी 1857 की लड़ाई, जिसमें फेल क्यों हुए। जाहिर सी बात है हम फेल हुए ही होंगे, क्योंकि यदि हम 1857 में ही सक्सेस हो जाते तो हमें आज़ादी तो बहुत पहले ही मिल गई होती, तो क्यों हम 90 साल और इंतजार करते 1947 में आता होता, क्योंकि हम वो लड़ाई फेल हो गए। और फेल होने का एक बहुत ज़रूरी कारण था, क्योंकि जब मैंने आपका हिस्ट्री का पहला लेक्चर शुरू किया था तब भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि हिस्ट्री में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम सिर्फ सीखें। सो जब हम ये लड़ाई में फेल हुए तो जो हमारे आगे के रिवोल्यूशनिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस लड़ाई से बहुत कुछ सीखा और इन सब फेलियर्स को ओवरकम किया, तब जाके हमें 1947 में आज़ादी मिली थी। तो हम ये पहले बात करते हैं कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेलियर। सो हमारा पहला रीजन था लैक ऑफ यूनिटी। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। उस समय भारत एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, जिससे पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, इंडिया तो था ही, उसमें एक बड़े देश में जब ये 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ये कुछ ही जगहों तक सीमित था, कुछ ही जगहों तक सीमित था। एक तो बात ये थी, और हो क्या रहा था कि जब ये रिवोल्ट हो रहा था तो इस रिवोल्ट में केवल वही लोग हिस्सा ले रहे थे जिनके मन में गुस्सा था, जैसे फार्मर्स। हमने बताया था फार्मा के ऊपर टैक्सेस लगा दिया गया था, कुछ पॉलिसीज लगा दी गई थी, से वो दबते जा रहे थे, या कुछ ऐसे राजा जिनको जबरदस्ती उनकी जमीन हड़प ली गई थी, या फिर वो सोल्जर्स जिनसे जबरदस्ती उनके धन छोड़वाए जा रहे थे। सो हर कोई इस लड़ाई में शामिल नहीं था, इस क्रांति में शामिल नहीं था, केवल वही लोग इस क्रांति में शामिल हो रहे थे जिनके मन में गुस्सा था, जिनके खिलाफ अंग्रेज काम कर रहे थे। सो The main reason, the one of the most important reason for the failure is the lack of unity. क्यों? क्योंकि 100% Indians इसमें support कर भी नहीं रहे थे। हमने आपको ये जरूर बताया था कि हिंदू हो या मुसलमान हो दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, पर हर व्यक्ति हिस्सा नहीं ले रहा, केवल वही लोग हिस्सा ले रहे थे जिनके मन में गुस्सा था, जिनके मन में आक्रोश था, aggressive थे, जो जिनके अगेंस्ट अंग्रेज काम कर रहे थे। इसलिए इम्पोर्टेंट रीजन इज द लैक ऑफ यूनिटी। क्यों? हमने एक बार पढ़ी थी कि यूनिटी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, गुटकी में ताकत होती है। यदि हम उस समय ही यूनाइट हो गए होते आज़ादी के लिए तो हम बहुत पहले आज़ादी पा लेते। तो लैक ऑफ यूनिटी इज द इम्पोर्टेंट रीजन। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन फेलियर का है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने आज़ादी के लिए आवाज़ तो उठा दी थी, पर वो क्या रहा था कि वो आज़ादी के लिए जो आवाज़ थी, वो जो हमने एक क्रांति चालू की थी, जो हमने वो एक लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई को एक सही ढंग से चलाना, पर हमारे पास उसी चीज़ की कमी थी। और उसका रीज़न ये था क्योंकि हमने इससे पहले कभी क्रांति नहीं की। अब चूंकि हमने इससे पहले कभी क्रांति नहीं की थी तो हमें पता नहीं था कि आज़ादी इस लड़ाई को शुरू कैसे करना है, शुरू करने को तो लड़ाई को आगे कैसे लेके जाना है। सो ये ना समझी हमारे लिए भी एक इम्पोर्टेंट रही है, एक रीजन था फेलियर के, क्योंकि हम ये नहीं जानते थे कि हमें इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। हमने लड़ाई शुरू तो कर दी, पर उसको कैसे आगे लेके जाना है ये हमें नहीं पता था, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था इस लड़ाई का, कि हमने कभी भी चीज नहीं सीखी। सो अनदर इम्पोर्टेंट रीजन इज द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज द लैक ऑफ लीडरशिप। ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है, क्योंकि लोगों के मन में गुस्सा था, फार्मर्स के मन में गुस्सा था, राजाओं के मन में गुस्सा था, सोल्जर्स के मन में गुस्सा था, पर लीडर की कमी थी। मैंने आपसे कहा था गुस्सा तो सबके मन में अंदर है, पर लड़ाई तभी आगे बढ़ती है जब एक लीडर मिल जाता है, आपको चिंगारी मिल जाती है तो आग बढ़ती है, पर वो लीडर की कमी थी। मंगल पांडे ने लड़ाई शुरू कर दी, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, मोहम्मद रमजान,
ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग थे, तांतिया भील, बहादुर शाह जफर, ये लोग इस लड़ाई में शामिल हो गए थे, ये लोग ने अपने अपने एरिया में लीड कर लिया था, पर हमारे पास फिर भी लीडरशिप की कमी थी क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क था, इतना बड़ा मुल्क था, इतने बड़े इतने सारे लोग थे, तो हमारे पास लीडर्स और भी ज्यादा होने थे, और ये लीडरशिप की कमी ही हमें बहुत फैली थी इस लड़ाई के, हमारे पास लीडरशिप की कमी थी इसलिए हमें लड़ाई, हम एक रीजन ये भी था कि हम फेल हो गए थे। एक और रीजन था जो युद्ध में फेल हो गए थे इस लड़ाई में क्रांति में, वो था आउटडेटेड पेपर, क्योंकि हमने क्रांति कर ली, हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, पर हमारे पास हथियार नहीं, हम वही पुराने थे जिनके पास छोटी सी या धन धनुष बाण हुआ करते थे, भाले हुआ करते थे, तलवार थी, और कुछ राजाओं के पास कुछ पुरानी सी बंदूकें हुआ करते थे, पर ब्रिटिशर्स उस समय की कोपे थी उनके पास, नए वेपन से लैस थे वो, उनके पास बहुत सारे नए हथियार थे, सो हमारे पास पुराने हथियार थे, उनके पास नए हथियार थे, हम तलवार लेके लड़ने गए थे और वो बम लेके वो तोपे लेके लड़ रहे थे, तो तोपे लेके हमारे सामने अगेंस्ट में खड़े थे, सो हम ये लड़ाई इसलिए भी हार गए थे क्योंकि हमारे पास आउटडेटेड वेपन्स थे, पुराने वेपन्स थे। तो हमने अभी तक कौन से चार रीजन पड़े, लैक ऑफ यूनिटी, क्योंकि 100% इंडियन इस लड़ाई में शामिल नहीं था, इस क्रांति में शामिल नहीं था, केवल वही शामिल थे जिनके मन में गुस्सा था। दूसरा था लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लड़ाई करने चले तो गए पर हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। तीसरा था लैक ऑफ लीडरशिप, हमारे पास लीडर्स की बहुत कमी थी, हमारे पास कुछ ही चुनिंदा लीडर्स थे जो इस लड़ाई को आगे रख रहे थे, हमारे पास बहुत सारे और लीडर्स की जरूरत थी क्योंकि इतने सारे पब्लिक हैं, पब्लिक के लिए अलग अलग लीडर्स नहीं जा रहे हैं। दूसरा था आउटडेटेड वेपन्स, अब एक और रीजन था फेडरल फीचर्स, ये कुछ इसी से रिलेटेड है। फेडरल फीचर्स मतलब होता है दोहरा व्यवहार, दोहरा व्यवहार ये था कि कुछ राजा ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, पर वहां पे कुछ राजा ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स के साथ थे, जैसे उस समय हम कह सकते हैं कि पटियाला हो गया, सिंध हो गया, ग्वालियर हो गया, हैदराबाद हो गया, तो यहाँ के कुछ राजा ऐसे थे, जैसे हैदराबाद का राजा निज़ाम है वो भी अंग्रेजों के साथ था, ग्वालियर का राजा उस समय जो थे सिंधिया थे वो भी उस अंग्रेजों के साथ थे, तो कुल मिला के जो कुछ राजा थे, हमने आपसे कहा था कुछ राजा ब्रिटिश के अंदर आ गए थे और कुछ राजा ब्रिटिश के अंदर नहीं आ रहे थे, जो नहीं आ रहे थे वो तो इस लड़ाई में शामिल हो गए, पर जो ब्रिटिश के अंदर में आ चुके थे वो इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स के साथ खड़े हुए थे, तो हमारे पास एक दोहरी विपत्ति चल रही थी कि हमें अब ब्रिटिशर्स से भी लड़ना था और साथ में अपने साथी राजाओं से भी लड़ना था, और यही एक इम्पोर्टेंट रीजन था, फेडरल फीचर्स था, इसी कारण से हमें खाते रहे थे क्योंकि हम अपने ही राजाओं को मारना पड़ रहा था, इसलिए कुछ लोग लड़ाई में शामिल इसलिए भी नहीं हुए। चौथा पांच छठवा है अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह की, अब मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, इस एक छोटी सी हिस्ट्री में किस्सा ये भी था, हमने आपसे कहा था कि जब मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया था तो उसके कुछ दिनों के बाद उस एक मेरठ में भी कुछ सैनिकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, 85 सैनिक कुछ थे, और उनको सैनिक उनके आर्मी से निकाल दिया गया था, जब उनको जेल में डाला गया तो उनके ही कमांड के बाकी जो सैनिक थे इन्होंने विरोध करके उनको जेल से बाहर निकलवाया और सबके सब कहाँ गए, दिल्ली की तरफ गए, और हमारे उस समय बहादुर शाह थे, दिल्ली के राजा बहादुर शाह टू थे, जिनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, उनको एम्परर ऑफ द इंडिया भारत का महाराज घोषित कर दिया, ये आपको बताया था। अब चूंकि बहादुर शाह भारत के राजा महाराजा हुआ करते थे, सो मेन लीडर कौन हो गए थे इस लड़ाई के, बहादुर शाह, क्योंकि अब वो लीड कर रहे थे। अब हुआ यूँ था कि इस युद्ध के समय एक छोटी सी इन लोगों ने प्लानिंग की थी, हमारे पास एक प्लानिंग थी कि हम लोग जो नील थे वो अंग्रेजी जहाँ पे वेपन्स रखे हुए थे अंग्रेज के, वहाँ पे 10 जून को अटैक करेंगे, ये हमने प्लानिंग करके रखी थी कि हम 10 जून को अटैक करेंगे, पर चूंकि ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि बहादुर शाह एक राजा है वहाँ के और एम्परर को घोषित कर दिया गया वहाँ पे, तो ब्रिटिशर्स ने रातों रात बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके कहाँ ले गए, रंगून ले लिया, रंगून जिसका बाद में नाम बर्मा पड़ा और आज हम उसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। ये भी एक ओटी का क्वेश्चन है आपके लिए, ओटी में आता है कि आफ्टर अरेस्ट
बहादुर शाह जफर वॉज सेंट टू, अरेस्ट करने के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। आपका आंसर बर्मा या म्यांमार नहीं होगा, यहाँ पर रंगून होगा, क्योंकि उस समय हम उसे रंगून के नाम से जानते थे। तो बात की बात है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को रात में अरेस्ट किया, छुपके से अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके उसे रंगून भेज दिया। अब भारत के पास महाराज नहीं था, और दिल्ली की जनता को जब ये पता चला कि उनके राजाओं उसके राजा को अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया है, दिल्ली की जनता भड़क गई, और भड़क गई, और जो 10 जून की प्लानिंग थी वही धरी की धरी रह गई। दिल्ली के लोग उसी दिन हमला करते हैं सर। अब क्योंकि आदि प्लानिंग 10 जून की थी, इसलिए बाकी राजा तैयार ही नहीं थे इसके लिए, और हम ये लड़ाई हारे। सो अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह टू, बहादुर शाह जफर अवेयर नहीं रहे इस चीज़ से कि उन पर भी हमला हो सकता है, उस चीज पे अवेयर नहीं थे, एक रीजन ये भी था हमारे फेवर। आखिरी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी हमने आपसे कहा अभी कि 10 जून की प्लानिंग थी, पर बहादुर शाह जफर को जब डेडली अरेस्ट कर लिया गया तो दिल्ली तुरंत, दिल्ली के जो जनता थी और दिल्ली के आसपास की जनता थी, उन्होंने तुरंत ही हमला कर दिया। और क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन की कमी थी, तो बाकी जगहों पे लीडर्स को ये बात की सूचना ही नहीं मिली कि हमला हो चुका है। यदि उस समय हमारे पास कम्युनिकेशन के अच्छे साधन होते तो हम कम्युनिकेट कर चुके होते, और हमने पहले ही साथी राजाओं को बता दिया होता कि इसी दिन हमला करना है, हम अपने पहले खड़े हैं, तो सारे राजा पहले ही हमला करते थे। पर चूंकि हमारे पास कम्युनिकेशन की कमी थी, इसलिए हमें बाकी राजाओं को पता ही नहीं चली और हमला पहले हो गया। ठीक। थर्ड है लोकलाइज्ड रिवोल्ट, एक इम्पॉर्टेंट रीजन भी है। एक रीजन लोकलाइज्ड रिवोल्ट का मतलब ये था कि ये पूरे भारत में नहीं फैला हुआ, ये कुछ कुछ जगहों पर फैला, जैसे मेरठ में, भरतपुर में था, झांसी में था, ग्वालियर में था, अवध में था, दिल्ली में था, साउथ इंडिया कुछ जगहों में था, पर बंगाल में था, पर पूरे भारत में नहीं था। ये चीज पूरे भारत में नहीं फैली थी, ये केवल कुछ कुछ जगहों पर फैली थी, इसलिए हम उसको लोकलाइज रिवोल्ट कहते हैं। और चूंकि ये कुछ कुछ जगहों पर फैली थी, तो बाकी जगह के जो था भारत के जो बाकी जगहों के लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे रिवोल्ट चल रहा है, वो इस बात से अनजान था। टीवी तो होती नहीं थी, ना रेडियो होता था, तो उनको बातें खबर हो तो भैया हम लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कहीं भी अनशन होता है तो पहले टीवी पे खबर हो जाती है। उस समय कुछ नहीं था, तो बाकी जगह के लोगों को खबर ही नहीं थी कि अनशन, इस बात पे हमने रिवोल्ट कर दिया। तो एक लोकलाइज रिवोल्ट था, चूंकि लोकलाइज रिवोल्ट था तो कम ही लोग थे अगेंस्ट में, इसलिए भी हारे। और एक और रीजन, तो एक इम्पॉर्टेंट रीजन भी हो सकता है, दैट इज नो कॉमन लैंग्वेज। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो इतनी सारी भाषाएं हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं में इस रिवोल्ट को चला रहे थे। तो हम जब अलग अलग भाषाओं में चला रहे थे तो हमारे पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी बात करने की, अपने रिवोल्ट शेयर करने की, जब हमारे पास कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, जबकि ब्रिटिशर्स के पास उनकी कॉमन लैंग्वेज थी इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही केवल कम्युनिकेट कर रहे थे। ये रीजन कितना बात की। तीन नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट वाज द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देयर आर द 9 रीजंस। आपको यहाँ पे हर रीजन को डिस्कस नहीं करेंगे, आप हर रीजन को लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, और हम केवल 3-4 को ही डील करेंगे, पर वो 3-4 आपसे उसे है। पहला था लैक ऑफ यूनिटी, बिकॉज वी हैव द लैक ऑफ यूनिटी, और हम जानते हैं यूनिटी इज द पावरफुल थिंग, सो ड्यू टू द लैक ऑफ यूनिटी हमें लड़ाई हारते हैं। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एज वी डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट रिवॉल्ट, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, हम केवल जनरल प्लानिंग कर ली कि 10 तारीख को करना है, पर हमने कभी ये प्लान नहीं किया कि मान लो कुछ और हो जाए, कि हमने प्लान बी लेके भी रखा, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, हमारे पास लीडर्स की कमी थी, कुछ ही चुनिंदा लीडर्स थे, हमारे पास पुराने वेपन्स थे, हमारे आधे राजा अंग्रेजों के साथ थे, आधे राजा अंग्रेजों के विरोध में थे। बहादुर शाह जो हमारे समय भारत के महाराज थे, एम्परर ऑफ इंडिया थे, उनकी अनअवेयरनेस भी एक रीजन थी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कमी, लोकलाइज्ड रिवोल्ट था, और नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो दीज आर द रीजंस जिसके कारण हमने अपनी पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हो गए थे। एंड इट इज अ क्वेश्चन जो अभी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या क्या रीजंस, इसलिए आप वहाँ पे डील करेंगे। तो अब हमने अभी आपके दो क्वेश्चन तैयार करवा दिए। पहला क्वेश्चन था व्हाट वर द कॉसेस फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पिछले में था व्हाट वर द रीजंस। अभी आपको समझ में आया है, मैं आपको इन दोनों आंसर से नोट्स आपको बाद में पीडीएफ में एक साथ भेज दूंगा, जब ये चैप्टर खत्म होगा उससे पहले आपके इस चैप्टर के नोट्स। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को समझें, उसको रटे नहीं,
यदि मैं आपको समझाऊं और सीधे नोट्स भेज दूं सोलर साइंस के, तो ये आपके लिए परफेक्ट काम होगा। आप रटेंगे तो आप इस कहानी को समझे, जब आप उसको याद करेंगे बाद में नोट्स में, तो आगे समझ। वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ शॉर्ट नोट्स दिए थे, समझाया था शॉर्ट नोट्स, लाइक मंगल पांडे, रामी लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, तांत्या भी। आपका होमवर्क है और मुझे चेक कराएंगे आप, इन पांचों के बाद में आधा आधा पेज का एक शॉर्ट नोट आता है, ध्यान रखिएगा, ये एक आपके लिए शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, तो आप उसको शॉर्ट नोट करके आएंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम डील करेंगे कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस हमारी ये लड़ाई हुई, हमने कारण पढ़ा, फेलियर्स के रीजन पढ़े, अब हम ये पढ़ेंगे इस लड़ाई से हमने क्या सीखा, हमें क्या पाया, हमने क्या पाया इस लड़ाई से, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस फॉर द फर्स्ट पावर ऑफ इंडिपेंडेंस, हम कल करेंगे। थैंक यू।